डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बैकअप और रिस्टोर के बारे में। बैकअप क्या होता है, जैसे अगर मेरी कोई टैली में हम बैकअप और रिस्टोर के बारे में बात करेंगे। बैकअप का मतलब क्या होता है, अगर हमारी कंपनी का किसी भी फोल्डर के द्वारा हम बैकअप ले लेते हैं तो जैसे कि हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है तो हम उसे रिस्टोर के माध्यम से अपनी कंपनी को वापस ले लेते हैं। तो आइए आज मैं आपको वो ही बैकअप करने के लिए बताता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। टैली से रिलेटिव, कंप्यूटर से रिलेटिव या उससे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आपको वीडियो से मिलती रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि टैली ओपन कैसे करते हैं। यहाँ पर भी टैली ओपन हो रही है, मैं आपको अब टैली ओपन करना बता रहा हूँ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई, तो ये थोड़ा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो ये टैली हमारी खुल चुकी है, उसके बाद मुझे टैली पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, वर्क इन एजुकेशन मोड, मुझे यहाँ पर एजुकेशन मोड पे क्लिक करना होगा। टैली मेरी खुल चुकी है। सबसे पहले अगर हमें कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनी इन्फो पर जाते हैं या हमें सूट कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करेगा, दो तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैकअप के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, मैंने बैकअप के नाम से फोल्डर बना लिया। उसका एड्रेस अगर मैं डालना चाहता हूँ तो मैं इसका एड्रेस मैं डाल सकता हूँ। अगर मेरा नहीं डालना चाहते तो आप मत डालो। यहाँ पर मेरे जो स्टेट है वो मेरी उत्तर प्रदेश में आता है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरी कंपनी बनके तैयार हो गई। अब मुझे टैली मिनिमाइज करना होगा। टैली मिनिमाइज करने के बाद मुझे कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बनाना होगा, चाहे मुझे लोकल डिस्क जो होती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर CD EF, उसमें से किसी में एक ड्राइव में मुझे फोल्डर बनाना होगा। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर खोला है, मुझे यहाँ पे ई ड्राइव में मुझे बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ न्यू पे क्लिक कर लो या शिफ्ट कंट्रोल एन दबा के वहां से भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ बैकअप टाइम का फोल्डर बनाना होगा। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो जो आपके लिए लगे कि हाँ मैं इस नाम का फोल्डर बना सकता हूँ। तो मैंने बैकअप नाम से फोल्डर बनाया और देखो ये फोल्डर अभी भी एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब ये खाली है, इसमें कोई भी बैकअप नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा। टैली को मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करूंगा। टैली मैक्सिमाइज करने के बाद अगर मुझे टैली को बैकअप लेना तो देखो नीचे ही यहाँ पे बैकअप आ रहा है। जैसे मैंने बैकअप पे क्लिक करेंगे अब मुझे यहाँ पे डालना होगा। मुझे सी मैंने जो बनाया वो ई में बनाया, तो मेरा पहले से मैं यहाँ पे आ रहा है तो ई रेशियो डिवाइड, उसके बाद मुझे फोल्डर का नाम बैकअप के नाम से, तो मुझे यहाँ बैकअप डालना होगा। बैकअप नाम का फोल्डर है, एंटर। अब मेरी जो कंपनी है वो भी बैकअप नाम से ही है, तो मैंने यहाँ बैकअप ले लिया और यहाँ पर मुझे करना होगा एंड ऑफ लिस्ट और मुझे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना होगा। अब मुझे देखना है कि मेरी जो फोल्डर में बैकअप आया नहीं आया, तो मुझे यहाँ पर टैली मिनिमाइज करना पड़ेगा और जो फोल्डर है मेरा उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मेरा बैकअप आ चुका है। अब रही बात, मैंने एक बैकअप ले रखा, अब मुझे टैली को डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए मुझे टैली को मैक्सिमाइज करना होगा और मुझे यहाँ पे अल्टर पे जाना होगा। तो कंट्रोल से मैं सेलेक्ट कर लूंगा, अल्टर से मैं डिलीट कंपनी कर दूंगा, एंटर एक्सेप्ट, मेरी कंपनी डिलीट हो चुकी। अब मुझे देखना है इस कंपनी को, तो सेलेक्ट कंपनी में जाकर मैं इस कंपनी को देखूंगा। तो बैकअप नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बैक जाने के लिए ESC पे क्लिक करूंगा, ESC से मैं बैक करके मैन पेज पे आ जाएंगे। अब मुझे इस कंपनी को देखो आपकी डिलीट होगी और मुझे इसे वापस करना है, तो मुझे यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करना होगा और इसे एंटर एक्सेप्ट कराना होगा। देखो मेरा यहाँ पे इसका जो आ रहा है वो CE उसमें आ रहा है, ई में बैकअप के नाम से आ रहा है और यहाँ पे कंपनी नेम ऑफ आ रहा है। यहाँ पे करने के बाद बैकअप आ गया, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एक्सेप्ट। अब मुझे इस कंपनी को जाकर देखना, तो मैं सेलेक्ट कंपनी में जाकर इस कंपनी को देखूंगा कि मेरी कंपनी रिस्टोर हुई है या नहीं हुई। देखो आपकी मेरी स्क्रीन पे आपने लोगों का देखा होगा तो इसकी कंपनी मेरी वापस आ चुकी। तो रिस्टोर करने से हमारी कंपनी क्या आ जाएगी, वापस आएगी और हमें ESC से बैक करके मेन पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंपनी के अंदर टैली के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं और इससे कंपनी को जो हमने टैली हमारी डिलीट हो जाती है कंपनी, तो उसे हम रिस्टोर कैसे करते हैं। तो आपको आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जैसी आप पसंद आई तो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वो करें। और टैली बंद करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू पे क्यूट कर देंगे, तो यहाँ जैसे मैं इसे क्यूट करूंगा तो मैं कंट्रोल क्यू दबा दबा के हम यहाँ पे
टैली को क्लोज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है क्यूट, और यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसका बताएं, इसका फीडबैक बताना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।